आप है शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूँ नीरज एस्टेट। 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। आप अभ्यर्थी उत्तीर्ण तो हुए, पर इस उत्तीर्ण होने के पीछे जो बड़ी लड़ाई लड़ी गई, आज उस पूरे लड़ाई से आपको हम रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यर्थी समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार के कठिन परिश्रम के बाद आज आप उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में इस लड़ाई को दिखाने का मकसद ये है कि आगे अभी लंबी लड़ाई है। सदन में शिक्षा मंत्री उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस के कारण बहाली रुकी है। पर आप समझे, जब शिक्षा मंत्री सदन में ये कहते हैं कि हम सहमत हैं दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि उनका हक भी है, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री एक लेटर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? जब शिक्षा मंत्री सदन में ये कहते हैं कि हम सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, तो आगे एक लेटर जारी करके बहाली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पर सरकार और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की नीयत साफ नहीं नजर आती। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आप आम अभ्यर्थियों से आह्वान करेगा कि अब अगर बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन सरकार और शिक्षा विभाग को देखने को मिलेगा। जैसे स्टेट परीक्षा कदाचार कुव्यवस्था युक्त परीक्षा हमने आंदोलन के बाद रद्द करवाई और आप अभ्यर्थियों को नया जीवन दिया। जब रिजल्ट हम लड़कर ले सकते हैं तो आगे बहाली और नियुक्ति भी हम लड़कर लेंगे। ऐसे में उस लड़ाई को याद करने का वक्त है जिस लड़ाई के बाद आज आप उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में हमारा मकसद सिर्फ उत्तीर्ण होना ही नहीं, शिक्षक के रूप में पदस्थापित होना भी है। आज वक्त है उस कठिन परिश्रम को याद करने का जिस परिश्रम के बाद आज आपके हाथ में डिग्री है। अब स्टेट की डिग्री लेने के बाद आगे बहाली प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इसके लिए भी एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जल्द ही आपको हम रूपरेखा से भी रूबरू कराएंगे, पर आज वक्त है उस आंदोलन को याद करने का। आइए आपको पुराने वीडियो से रूबरू कराते हैं और जानिए किस कठिन परिश्रम के बाद आप उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके सामने। जैसा कि आपको पता कि बिहार टीटी 2019 पर हम लोग एक बड़ा केस करने जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी का इसमें सहयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिहार के 38 जिले के जो अभ्यर्थी हैं और 38 जिले में जहां जहां कदाचार हुए, सारे 38 जिले के अभ्यर्थी प्रभावित हैं। ऐसे में आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि 7 फरवरी 2020 को पटना गांधी मैदान में हमारी बैठक है, उसमें आप जरूर से जरूर पहुंचे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि हमारा कटअप बन रहा है, हम क्यों जाएं? पर आपको हम बता दें कि मात्र 37,500 सीट है। ऐसे में 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आप समझ सकते हैं कि 37,500 अभ्यर्थी अगर मेरिट में आ गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। 37,500 अभ्यर्थियों को छांट दिया जाएगा और आप रह जाओगे। और आप क्यों रह जाओगे, इसके पीछे कारण है, क्योंकि हर परीक्षा केंद्र में चोरी हुई है, कदाचार खुलकर हुआ है, क्वेश्चन पेपर वायरल था, अभ्यर्थियों के पास क्वेश्चन था और अभ्यर्थी जो इनके पास पहले से क्वेश्चन है वो 150 में 150 प्रश्न को सॉल्व करके आए हैं, आप 130-120 मार्क के आए हैं, तो पहले किसको मौका मिलेगा? जिन्होंने 150 में 150 प्रश्नों को हल किया उनको। आप सोचते हो कि हमको नौकरी मिल जाएगी, पर आप देखना कि रिजल्ट के बाद आप दौड़े दौड़े इसी गांधी मैदान में आओगे और उसके बाद आप कहोगे कि हमें मौका मिलना चाहिए और आप आंदोलन करोगे। लेकिन अभी आपसे हम कह रहे हैं कि आप जरूर आए 7 फरवरी को। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसके बाद शुरू हुआ बड़ा आंदोलन। आंदोलन के पूरे वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। शुरुआत राष्ट्रगान से। स्टार्ट। भारत माता की, भारत माता की।
शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम खड़े हैं बीएसईबी बोर्ड के सामने। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट 2019 परीक्षा में जो धांधली हुई है, उस धांधली के खिलाफ आज हम धरने पर थे और अभ्यर्थी आज पहुंचे हैं। पर आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप भी पहुंचे। हम आपको बता दें कि इस संबंध में अब पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका हम दायर करेंगे और साफ तौर से पूरे बिहार से जिस तरह का वीडियो और ऑडियो आया, और आप देख सकते हैं कि हर जगह धांधली हुई परीक्षा में, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ मिला, साथ में मोबाइल लेकर परीक्षा में जब अभ्यर्थी जाता है तो वो कहीं एक जगह के लिए नहीं जाता, वो कहीं भी वो क्वेश्चन सेंड कर सकता है, हर जगह कदाचार। और ऐसे कदाचार में क्या ये परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए, आप खुद बताएं। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि 2 फरवरी 2020 को रविवार को पटना गांधी मैदान में आप सभी की बैठक है, आप सभी उसमें जरूर पहुंचे। आप सभी अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर पहुंचे। इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी और आपके बैठक के बाद ये भी निर्णय लिया जाएगा कि एक दिन बीएसईबी बोर्ड को घेरा जाए, और हो सकता है कि रविवार की बैठक के बाद सोमवार को हम बीएसईबी बोर्ड का घेराव करें। अभी सरस्वती पूजा और भारत बंद के कारण अभ्यर्थी थोड़े व्यस्त हैं, इस कारण अभ्यर्थियों की संख्या कम है, पर हम जानते हैं कि आपकी संख्या हजारों लाखों में है और इसमें इंसाफ सभी को मिलना चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ था और 2-4 जगह खानापूर्ति के लिए सेंटर कैंसिल किया गया, पर सेंटर कैंसिल 1-2 जगह नहीं, पूरे बिहार का होना चाहिए। मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार से आपके साथ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी हमारा साथ देंगे। धन्यवाद ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। रद्द करो एचएड परीक्षा, रद्द करो एचएड परीक्षा, रद्द करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, एचएड परीक्षा रद्द करो, 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 परीक्षा रद्द करो, एचएड परीक्षा रद्द करो, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, एचएड परीक्षा रद्द करो, आनंद किशोर होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, एचएड परीक्षा रद्द करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, एचएड में कदाचार बंद करो, परीक्षाओं में कदाचार बंद करो, लूट की राजनीति बंद करो, एचएड परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, एचएड परीक्षा रद्द करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करो, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए, एचएड परीक्षा रद्द करो, एचएड परीक्षा रद्द करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी कहाँ से आप हैं? हम वैशाली जिला से आए हैं। वैशाली जिला से आप आए हैं, तो आप यहाँ पर किस उम्मीद में आए? हम उम्मीद में आए हैं कि केस करने की उम्मीद में आए। किस लिए? स्टेट में फिर से एग्जाम देने के लिए, कदाचार मुक्त एग्जाम हो, इसलिए। आज इस गांधी मैदान में आपको हम ऐसे एक अभ्यर्थी से मिलवाते हैं जो अभ्यर्थी गरीब है, बहुत गरीब है और किसान का बेटा है, और आज हमारे साथ इस स्टेट की लड़ाई में साथ में कदम से कदम मिलाकर अभ्यर्थियों को नमन कीजिए, क्योंकि ये गरीब अभ्यर्थी जिनके पैर में चप्पल भी नहीं, पर आपके लिए इन्होंने बड़ा आंदोलन किया और आज आप इन्हीं के कारण उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ रहे हैं। दिल रो रहा है ऐसे स्थिति को देखकर कि जब एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा आता है केस करने के लिए बेवजह का, जिसका इतना आर्थिक हालत कमजोर है, सुबह 5 बजे 4 बजे सुबह से ये लड़का निकला हुआ है और पहुंचा है हमारे पास। इन महिला अभ्यर्थियों को भी आपको नमन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस कारण आज आप उत्तीर्ण हैं। का सजा इनको भुगतना पड़ा है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से ये कुछ कहना चाहती हैं? ऐसा, मैं वैदेही कुमारी वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ,
और मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जो विषय कोड का मामला है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उसका विषय कोड और सब्जेक्ट नहीं था, इसके वजह से एग्जाम से वंचित किया गया। ऐसा हम शिक्षा मंत्री से भी मिलने के लिए गए हुए थे जब कर्पूरी जयंती था, तो शिक्षा मंत्री ने हमें कहा कि ये ऐसा हो सकता है, सुधार होगा होगा, लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ। जब एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट का गलती था तो बीएससी बोर्ड ने बोला क्या, जो हम एग्जाम के बाद इसमें सुधार लाएंगे एग्जाम के बाद, लेकिन हम लोग का जो गलती था वो एग्जाम से ही हमें वंचित कर दिया गया। और सेकेंड पेपर का एग्जाम हम लोग दिए हैं, उसमें भी बहुत सारा धांधली हुआ, कहीं कहीं क्वेश्चन भी आउट हो गया है, कहीं कहीं वायरल भी हुआ है, बुकलेट भी फटा हुआ मिला था। इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का, जिसका अच्छा भी एग्जाम गया है, उसका स्कोर गलत आएगा और वो मतलब सिलेक्शन में पीछे हट जाएंगे। इसके लिए हम सब चाहते हैं कि कोर्ट में केस हो, एचएड परीक्षा रद्द करो, एचएड परीक्षा रद्द करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, एचएड परीक्षा रद्द करो, 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 एचएड परीक्षा रद्द करो। दिया जाएगा कल 9 बजे के बाद, लेकिन 9:21 पे जो गया उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दिया गया। टोटल 2500 अप्रोक्स स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था, जिनमें उसमें 500 एब्सेंट रहा, मात्र 200 का ही एग्जाम हो पाया। तो चलिए आप क्या बोलेंगे, आ गया। मेरा यही कहना है कि अलग सिलेबस, मेरा बायोलॉजी पेपर था और केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा गया, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब कि आपने सुना कि पूरे के पूरे इस बार जो परीक्षा ली गई बिहार शिक्षक पात्रता की, पूरी की पूरी तरह से कदाचार उसमें हुआ। और हमारा ये डिमांड है नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन दें और अपने सिलेबस के अनुसार दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि मतलब अपना क्वेश्चन आउट कर दीजिए। हर सेंटर में बस एक ही बात है, 4 सेंटर पे जब ये हुआ उसके बाद आपको बस एक ही ना है, ये है कि दिखा रहा है हर जगह, न्यूज चैनल पर हर जगह दिखाया जा रहा है कि मतलब जो लड़की है एग्जाम सेंटर में मोबाइल के द्वारा क्वेश्चन लिख रही है, दिखाया जा रहा है, हर जगह शो ऑफ हो रहा है, और उसी वो फैलाई नहीं है दूसरी जगह। जब 4 जगह कैंसिल हो गया तो बाकी जगह का लड़का कुछ नहीं है, हर सेंटर पे आधा घंटा एक घंटा लेट से क्वेश्चन को बांटा गया है, और हर जगह बोला गया कि जैमर लगा हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं था, फिर भी ये बोला है कि मतलब ये हो रहा है आधा घंटा लेट से। हर जगह लड़का जो लेट एग्जाम में होने पहुंचा है, 9:30 का नोटिफिकेशन दिया गया था, और कोई जगह नहीं, ये नहीं था कि 10:30 एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन जो लड़का 10 मिनट लेट करता है उसको नहीं मिला एंट्री। ये कहा का ये रूल है, अगर ये रूल है हर जगह ऐसा ही रहेगा तो हमारा बिहार कहाँ आ गया है? अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, ना शिक्षा मंत्री है, ना ये है, किस मारे लेकिन कौन गाड़ी है सर? कई दिनों के व्यापक आंदोलन के बाद भी बीएसईबी सुनने को तैयार नहीं हुआ, अंत में हमने कोर्ट में जाने का फैसला किया। आप देख सकते हैं कई दिनों के आंदोलन की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अभी हम खड़े हैं बिहार बोर्ड बीएसईबी के सामने, और जैसा कि आपको पता है कि स्टेट परीक्षा में व्यापक धांधली हुई और शिक्षा सुधार रोजगार ने इस मुद्दे को काफी व्यापक पैमाने पर उठाने की कोशिश की। आज आपकी इस बात को हम रख रहे हैं बीएसईबी बोर्ड के सामने कि परीक्षा रद्द हो और इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा।
ज्ञापन के बाद हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। और आप अभ्यर्थियों से ये भी हम कहेंगे कि हम अब मंगलवार को एक बड़ा प्रोटेस्ट शिक्षा विभाग और बीएसई बोर्ड के सामने करेंगे। उस प्रोटेस्ट में हम अपनी बात को पूरी तरीके से रखेंगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। ऐसे में आप सभी जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मंगलवार को आप प्रातः 11 बजे बीएसई बोर्ड के सामने जरूर पहुंचें। आज हम ज्ञापन दिए हैं, मंगलवार को फिर एक ज्ञापन दिया जाएगा और बृहस्पति से शुक्र के बीच में पटना हाईकोर्ट में केस लंबित होगा। इस पर स्टेट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार से धन्यवाद साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। स्टेट परीक्षा रद्द करो, स्टेट परीक्षा रद्द करो, स्टेट परीक्षा रद्द करो। बीएसईबी ने हाईकोर्ट केस के बाद परीक्षा ऐसे ही नहीं रद्द की। हम सचिवालय शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी शिक्षा मंत्री तक मिलकर सभी सबूतों को अवगत करा चुके थे। ऐसे में परीक्षा तो रद्द होना ही था। सचिवालय में शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद हमने सभी वीडियो फुटेज सभी सबूतों से उनको रूबरू कराया। लगातार शिक्षा मंत्री के आवास का चक्कर, लगातार सचिवालय का चक्कर, लगातार हाईकोर्ट का चक्कर, आप समझ सकते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद कदाचार और कुव्यवस्था युक्त परीक्षा रद्द हुई और तब जाकर निष्पक्ष परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट आया। आप सभी से निवेदन है कि माँ रूपी शिक्षा सुधार रोजगार संस्था की इज्जत करें, क्योंकि इसी संस्था के बदौलत आप उत्तीर्ण हुए हैं। आगे रिजल्ट के बाद अब जल्द नियुक्ति के लिए एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। सरकार और शिक्षा विभाग अपने ढीले रवैये से बाज नहीं आई तो एक बार फिर पटना की धरती पर एक बड़ा आंदोलन होगा शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले। और नारा होगा, एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।